है टीएमसी का, कैसे देखते हैं गोवा में इस तरह के ये लोगों के लिए जो भी होगा। तृणमूल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है, जिसके चेयरमैन फलेरियो जी थे, राज्यसभा सांसद हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष, हमने लोगों से पूछने के बाद ये मैनिफेस्टो बनाया है। और कुछ ऐसे मुद्दों को हमने उठाया जो किसी भी पार्टी ने, ना कांग्रेस ने और ना बीजेपी ने उन चीज़ों को छुआ, जैसे कि इलीगल माइनिंग का जो मुद्दा है, हमने कह दिया है कि क्या फॉर्मेट होगा। इसके अलावा लैंड, जिनके पास ज़मीन नहीं है, 1976 से पहले जो गोवा में बस रहे हैं, आज तक उनके पास मलकाना नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो किसी भी पार्टी ने सॉल्व नहीं किया, पर हम कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी। तो आज फलेरियो जी ने जैसे कहा कि अगले 5 सालों में हम नौकरियाँ बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट की सरकारी जितने भी वैकेंसीज हैं हम उनको भरेंगे, और हमारा जो युवा शक्ति का स्कीम है उसमें 20 लाख रुपए का लोन लेकर अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करेगा तो वो भी तो नौकरी ही देगा किसी को। तो ये कुछ खास बातें हैं जो मेरा मानना है गोवा के लोग पसंद करेंगे।